दुर्ग के विजयनगर में 2 दिनों में एक ही वार्ड के 2 घरों में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं आज तड़के सुबह रिटायर्ड पुलिसकर्मी के घर भी हथियार सहित चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुर्ग शहर में आए दिन चोरी की घटनाएं सुनाई दे रही थी। दुर्ग के विजयनगर स्थित 2 मकानों में लगातार एक के बाद एक अलग अलग घरों में चोरी की घटना हुई। इसकी एक चोरी गुरुवार को अशोक यादव के घर की दीवार पर चढ़कर घर में रखे नकदी व जेवरात पार कर अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दिया, तो वहीं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के घर को निशाना बनाते हुए सुने मकान का ताला तोड़कर घर में रखी 2 बड़ी अलमारी का ताला तोड़ा और छानबीन कर नकदी सहित महंगे गिफ्ट सामान को लेकर चोर फरार हो गए। और साथ ही इस मामले में चोरी के लिए पहुंचे अज्ञात चोरों ने अपने साथ तलवार, फरसा जैसी खतरनाक हथियार लेकर पहुंचे थे। इन सब से चोर की मानसिकता भी नजर आ रही थी। मामले को लेकर इस तरह की जानकारी मीडिया को दी गई है। पूर्व एक अशोक यादव के घर में जो है सुने मकान में ताला तोड़कर चोरी की घटना हुई थी और जिसमें 30,000 नकदी और सोने चांदी के जेवरात उसमें चोरी गए हैं। और उस मामले में पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है। इसके अलावा आज एक धर्मचंद सिंह बोल के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनके घर पर भी सुना मकान था, बंद मकान था, 3-4 दिन से कोई रह नहीं रहा था। उस मकान का भी ताला तोड़कर जो है अज्ञात चोरों द्वारा अलमारी वगैरह को तोड़ के चोरी की गई है। और चूंकि वहाँ कोई रहता नहीं था मकान में, तो क्या चोरी गया है इस बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस जो है दोनों मामलों में अज्ञात आरोपियों की पता तलाश कर रही है। मौके पर कुछ मिले हैं, आला जरम मिले हैं और इसको इसी के आधार पे हम लोग आगे भी पता कर रहे हैं कि किन लोगों की ये हरकत है। ये मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 12 मोहन नगर पश्चिम में 6वीं 7वीं घटना है। पिछले 3-4 महीने में सतत ये चोर जो हैं, इनका हौसला इतना बुलंद है कि वो धाराधार हथियार लेकर के यहाँ पर एंट्री करते हैं। इतना बड़ा फरसा, तलवार और एक लोहे का राड लेकर के आए थे वो। न जाने मेरे वार्ड का ये आप निवासी थे वृद्ध, इनके साथ क्या करते क्या नहीं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। दूसरा चीज़, ये ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं हर दिन। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे यहाँ 6-7 लाख रुपए का ज्वेलरी एक घर से, दुर्गा मंदिर से के सामने से एक घर से चोरी हुआ है। कुछ दिन पहले दिन दहाड़े एक बाइक चोरी करके लेके जाता था, जिसका वीडियो क्लिप भी मैंने पुलिस वालों को दिया है। जैसा कि मैं जानता हूँ, मेरे यहाँ मोहन नगर थाने वाले पुलिस वाले जो हैं एक्टिव पूरी तरीके से। मिस्टर रंगारी जी वहाँ पर TI साहब हैं, उनको रात में 2 बजे भी लगाओ फ़ोन तो वो प्रॉपर अपने स्टाफ को भेज देते हैं। पर इनके इतने एक्टिव होने के बाद भी ये चोर जो असामाजिक तत्वों के जो लोग हैं, ये किस हद तक वो अपने अंदर में जिगर रखते हैं, कितना हौसला बुलंद है उनका। वो धारदार तलवार लेकर के लोगों के घर में आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मेरे को लगता है कि इसके पहले भी मैंने SP जी के सामने ना, SP जी के समक्ष मैंने, और शेखर चंद्राकर जी पार्षद हैं, उन्होंने यहाँ पर एक छावनी के लिए अप्लाई किया था, अभी तक उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी एक छावनी दिया जाए, क्योंकि मेरे ये जो वार्ड है, वार्ड नंबर 12, 13, 11 और 10, ये ऐसा वार्ड है कि ये आउटर पड़ता है, जिससे चोर उचकों को ना यहाँ पर उनको अपने कोई भी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में ना आसानी हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई ना कोई पुलिस प्रशासन की कंटिन्यू रेकी हो या कंटिन्यू उनके पेट्रोलियम यहाँ पर हो, इससे कम से कम मेरे वार्ड के लोग सुरक्षित रहेंगे। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, पुलिस जागता है तभी हम लोग सोते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आज ये जिस दिन घटनाएं होती हैं उस दिन पुलिस जागती है नहीं जागती, वो आते हैं कि नहीं आते, पेट्रोलियम करते हैं कि नहीं करते पता नहीं। ये आप क्या स्थिति है इन चोरों की, क्या उनकी सेटिंग है, मेरे को ये भी नहीं पता चल पा रहा है। पुलिस वालों को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए और मेरे वार्ड के जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा रक्षा करें। जय। मैं यहीं सोता था पहले, लेकिन तबीयत मेरी ख़राब थी तो एक हफ्ते से मैं नहीं आया। परसों आने के लिए कोशिश किया लेकिन हमको चल नहीं गया तो हम नहीं गया। उसके बाद आया हूँ सुबह, देखता हूँ तो सामने का ताला लगा हुआ है,
जब ताला खोला तो इधर देखा तो पूरा ताला टूटा हुआ, पूरा सामान चोरी हो गया। अब वो तो हमारी नाती बहू आएगी तो उसमें बताएगी, इसमें पूरा कपड़ा था कीमती और नीचे डिनर सेट था, उसमें उसके कपड़े और जितने गिफ्ट उफ्ट मिले थे सब उसमें था, और बाकी तो नाती चाहे नाती आएगी, नाती बहू आएगी तो बताएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।